हेलो फ्रेंड्स, आप सभी स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो भी नीचे ला रखा हूँ, दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। धान को उखली में या मशीनों द्वारा पीस कर उसके ऊपर छिलके को अलग किया जाता है। बिना छिलके के धान के दानों को चावल कहा जाता है। चावल के एक शीतल एवं शक्तिवर्धक होने के कारण दुनिया भर के लोग चावल का उपयोग दैनिक भोजन के रूप में करते हैं। चावल मुख्यतः बारिश के मौसम की फसल होती है। चावल की विभिन्न प्रकार की किस्में होती हैं, कामोद, बंगाली, पंचसार, अमरमोर, राजभोग, जीरासार, कालीसार, रातिसार, बेरसाल, वाक्साल, राजावल, हंसराज, बासमती, इलायची, पियारो, बारह पियार, तेरह साबरमती आदि फसलें और जाया आदि मोटे चावल की प्रमुख किस्में हैं। आयुर्वेद के अनुसार केवल 60 दिनों में तैयार होने वाले साठी चावल अधिक गुणकारी माने जाते हैं। साठी चावल संगरणी, पेचिस और मंदाग्नि को समाप्त करते हैं, यानी ये भूख को कम करते हैं। ये चावल पाचक और बलकारी होते हैं तथा वायु पैदा नहीं करते, अतः इन्हें निर्दोषियों कहकर माना गया है। चावल के विभिन्न उपयोग। नंबर एक है यकृत शक्तिवर्धक। सूर्योदय से पहले उठकर एक चुटकी कच्चे चावल मुंह में रखकर पानी से सेवन करने से यकृत यानी कि जिगर बहुत मजबूत होता है। नंबर दो है गर्मी नाशक। चावल की प्रकृति ठंडी होती है, पेट में गर्मी भारी होने पर एवं गर्मी के मौसम में रोजाना चावल खाने से शरीर को ठंडा रखने। नंबर तीन पेचिस व रक्त पत्थर। एक गिलास चावल के पानी में मिश्री मिलाकर पीने से पेचिस व रक्त पत्थर नष्ट हो जाता है। नंबर चार है दस्त। चावल पकाने पर इसका उबला हुआ पानी पीने जिसे मांड कहा जाता है, यह दस्तों के लिए लाभदायक होता है। बच्चों को आधा कप और जवानों को बड़ों को एक कप घंटे के बाद पिलाने से दस्त बंद हो जाते हैं। इसे छोटे बच्चों को कम मात्रा में मिला पिला सकते हैं। इस मांड में थोड़ा सा नमक मिलाकर सेवन करने से यह स्वादिष्ट, पौष्टिक और सुपाच्य होता है। इसमें नमक मिलाकर इसे दस्तों में पीने से लाभ मिलता है। इस मांड को 6 से अधिक घंटे तक नहीं रखना चाहिए, यानी इसे 6 घंटे से नीचे कम में यूज कर लेना चाहिए, इससे ज्यादा ये खराब हो जाता है। उबले हुए चावल में सेंधा नमक को मिलाकर छाछ या दही के साथ प्रयोग करने से दस्त में आराम होता है। चावल के पकने हुए पानी को 2 चम्मच और 1 कप पानी में मिलाकर हर घंटे के बाद पीने से लाभ मिलता है। चावलों को पकाकर प्राप्त मांड को या चावल को दही के साथ खाने से दस्त में लाभ मिलता है। नंबर 5 है दोस्तों मांड बनाने की शर्त। 100 ग्राम चावल आटे की तरह पीस लेते हैं, इसे 1 लीटर पानी में उबालते हैं। भली प्रकार उबलने के पश्चात इसे छान कर स्वाद के अनुसार नमक मिला लेते हैं। इसे बच्चों को आधा कप और जवानों को 1 कप हर घंटे के बाद पिलाने से दस्त बंद हो जाते हैं। नंबर 6 है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। लंबे समय तक चावल खाते रहने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और रक्तचाप भी ठीक रहता है। नंबर 7 है फोड़ा। इसे वे चावलों की पोटली सरसों के तेल में बनाकर बांधने से फोड़ा फूट जाता है और पस निकल जाती है। नंबर 8 कबज। 1 भाग चावल और 2 भाग मूंग की दाल की खिचड़ी में घी मिलाकर खाने से कब्ज दूर हो जाती है। नंबर 9 गर्भावस्था की उल्टी। 50 ग्राम चावल को लेकर 250 मिलीलीटर पानी में भिगो देते हैं। आधा घंटा बीतने के बाद इसमें 5 ग्राम धनिया भी डाल देते हैं। 10 मिनट के बाद इसे मलकर छान कर निकाल लेते हैं 4 बार और इसे 4 हिस्से करके पिलाएं। 4 बार में यानी कि 4 हिस्से करने हैं, एक हिस्सा एक बार में पीना है, तीनों टाइम ले सकते हैं। इसके प्रयोग से गर्भवती स्त्री की उल्टी तुरंत भर ही बंद हो जाती है। नंबर 10 है दोस्तों भांग का नशा। चावलों का पानी पीने से भांग का नशा उतर जाता है।
जा रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने का बटन वीडियो नीचे लाल अक्षर में लिखा हुआ है और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। थैंक यू वेरी मच।